ऑडियो सेमा क्लास 11th एक्सरसाइज 23.3। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ समझ लें टॉपिक को, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। किस टॉपिक पे है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो देखते हैं क्या है कि किस टाइप का स्लोप इंटरसेप्ट है। दो टाइप का होगा, एक वाई इंटरसेप्ट एंड एक एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट में भी दो पॉसिबिलिटी होगा। अगर ग्राफ से समझें, ये एक्स ये वाई, तो वाई को इंटरसेप्ट करेगा। तो वाई को इंटरसेप्ट कैसे कर सकता है? या तो मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूं, तो देखिए ये वाई को इंटरसेप्ट किया ना यहाँ पे, तो वाई को जब इंटरसेप्ट करेगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंटेड एज सी। एक और केस बनेंगे, वाई को कैसे इंटरसेप्ट कर सकता है निगेटिव में, तो उसका देखें तो हो सके तो ये ऐसा हो। देखिए ये कट कर रहा है ना, इसको भी सी मान लिया सपोज। तो ये देखिए ऊपर में मान लो कि ये 2 यूनिट था, तो सी क्या हो गया यहाँ पे 2। ये मान लीजिए -2 है, तो सी क्या हो जाएगा -2। एक्स एक्सिस के लिए देखूँ, इसका भी 2 केस होंगे, या तो ऐसे कट करे, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। सपोज ये 2 पॉइंट पे है, तो इसको डी से डिनोट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट जहाँ भी कट करता है उसको डी से, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा 2। एक और केस है, किस टाइप से कट करेगा, ऐसे, तो ये निगेटिव हो जाएगा -2, तो ये पार्ट को ही डी से डिनोट करेंगे, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। तो ये वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक थ्योरम है। देखिए थ्योरम क्या रहा, द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा कब, जब स्लोप एम, कुछ स्लोप दिया हुआ होगा क्वेश्चन में एंड इंटरसेप्ट दिया होगा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से। तो जब भी क्वेश्चन में अगर देखें कि स्लोप दिया हुआ है इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो उसका जो लाइन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। फिजिक्स में देखेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखते हैं कि ये आया कैसे, डिराइव देखते हैं डिराइवेशन। चलिए मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, एक्स वाई, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए वाई इंटरसेक्ट, वाई को इंटरसेक्ट किया ना, वाई को इंटरसेक्ट करता तो उसको हम सी मानते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, हम लेट लाइन, सपोज मान लिया इसको एल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक्सिस, किस पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो मान लिया इसको पॉइंट क्यू, एट क्यू, ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, सपोज मान लिया ये थीटा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखना है तो लिख सकते हैं, एंड मेक एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, इस लाइन एल पर कोई एक पॉइंट पी मान लेता हूँ, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई। मैं क्या करूँगा, पी से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ, सपोज मैं मान नेमिंग दे दिया एल, पी एल परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अगेन बोलेंगे क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है पी एल पे, इसको नेमिंग दे देंगे एम, तो क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन पी एल। यहाँ से यहाँ का पूरा पॉइंट क्या होगा, वाई है ना, ये सी है, तो ये इतना पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई में से सी चला गया, तो वाई माइनस सी, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको x मान लेता हूँ ये डिस्टेंस को, जब x है तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे देखें कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एक रेक्टेंगल बनेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, इस लाइन को एक्सटेंड किए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, देख रहे हैं ना, इस टाइप का एक लाइन बन रहा है, नीचे में ये कट कर रहा है लाइन और ऊपर में भी कुछ कट कर रहा है ना, इस टाइप से ऐसे। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ऐसे एक लाइन कर दिया, ये भी इंटरसेप्ट है, तो ये लाइन और ये भी लाइन तो पैरेलल होगा, ये और ये, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका इंटरसेप्ट है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ट्रायंगल पी क्यू एम में, इन ट्रायंगल पी क्यू एम में टैन थीटा अप्लाई करूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, वाई माइनस सी अपॉन बेस में क्या है एक्स। टैन थीटा को मैं क्या मानता हूँ एम, तो एम इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, सी को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका इक्वेशन का फॉर्म आ गया, ठीक है। ये केस किसका था, जब इंटरसेप्ट किस पे हो रहा है, वाई एक्सिस पे। इसी का मैं रिमार्क देखूं, यदि ये लाइन ओरिजिन से पास होता, देखते हैं क्या लिख देंगे, चलिए ये फिगर को देख के लिखेंगे रिमार्क में, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, जब वो लाइन ओरिजिन से पास होगा तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, तो इसमें जब अप्लाई करूँगा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो एम इंटू जीरो प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो जब जीरो हो जाएगा तो ये तो ख़त्म हो गया, इसमें पुट करेंगे अगेन तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स। ये कब है, जब लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका ग्राफ होगा वाई इक्वल टू एम एक्स, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, जब ये समझ गए, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 23.2 में, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहाँ पे मैं बताया था ना उसका इक्वेशन, यहाँ इसके हेल्प से देखते हैं, इसके हेल्प से कैसे निकलेगा, इफ़ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिगर बनाऊँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पैरेलल ऐसे होगा, ये लाइन एल मान लिया, इसके इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा जीरो डिग्री, तो टैन थीटा जीरो जीरो, यानी स्लोप क्या मिला, जीरो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें पुट करूँ m जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c, यही बताया था ना इक्वेशन, कब, जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इक्वल टू c मिलते हैं। ये कुछ दो रिमार्क थे। चलिए यहाँ पे तो देखा कि y एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहा था, अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं x एक्सिस का इंटरसेप्ट कैसे होगा, फिगर बना लूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो इसके पहले मैं बोला था यही इसी कॉन्सेप्ट में बताया हूँ ना, एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डी, डी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो निगेटिव है तो यह माइनस डी हो जाएगा एक्स के लिए, और वाई क्या हो जाएगा, जीरो। इस लाइन पे सपोज को एक पॉइंट ले लिया पी,
उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो जो मैं ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ना, उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही है, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, यही चीज़ है। तो जब दो पॉइंट मिल गया तो उसके स्लोप तो पता चल जाएंगे ना, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू सपोज इसको मान लिया, वाई वन इसको मान लिया, तो वाई माइनस, चलिए मैं लिख देता हूँ, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। इसको अगर सॉल्व करूँ तो एम एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। वाई वन तो जीरो है और एक्स वन माइनस डी है, तो एम एक्स माइनस माइनस प्लस डी हो जाएंगे वाई, और वो तो जीरो ही है, माइनस जीरो। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस डी। ये इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन का जब एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, क्लियर। जब माइनस डी है तो यहाँ प्लस डी आ गया, अगर इधर इंटरसेप्ट करता तो माइनस डी आते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस माइनस में ही लेके चलता मैं। इतने कॉन्सेप्ट के हेल्प से चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो फिगर बनाऊँ यदि, तो एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन जो है 150 डिग्री का बनाएगा एंगल। तो सपोज मैं मान लिया 150 डिग्री, जरूरी है ऐसा ही बनेगा, ऐसे भी बन सकता था, लेकिन आगे कंडीशन तो दिया हुआ है, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट टू फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉजिटिव टू को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये फिगर से तो पता चल गया कि थीटा है 150 डिग्री, मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो एम को ही बोलते हैं टैन थीटा, यहाँ सॉल्व करूँ तो टैन 150 डिग्री, तो टैन 90 प्लस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट तो माइनस कॉट 60। तो कॉट 60 का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे माइनस 1/√3। और ये देखिए ये क्या है, सी के इक्वल है। तो अब इक्वेशन पूछ रहा था इस टाइप के, वाई को इंटरसेप्ट करने के लिए इक्वेशन क्या, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अब वैल्यू पुट करूँगा तो वाई इक्वल टू एम, एम क्या आया माइनस 1/√3, प्लस सी क्या है 2। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये यहाँ देखिए एक्स एक्स था तो छूट गया, यहाँ पे एक्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम ले लूँगा तो माइनस एक्स प्लस 2√3/√3, रूट थ्री वाई माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस में एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताऊँ कि जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, चलिए आगे बता दूँगा क्या होते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो आप फिगर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में फिगर बना, सीधा देखिए कुछ कुछ दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट में स्लोप दिया हुआ है 2, यानी एम दिया हुआ है आपका 2, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है यानी सी दिया हुआ है 3। डायरेक्ट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे वैल्यू पुट करें, आ जाएगा आपका आंसर वाई इक्वल टू 2x+3, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है इसका, विथ स्लोप -1/3 है स्लोप, एंड वाई इंटरसेप्ट सी दिया हुआ है -4, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट करूँगा, वाई इक्वल टू एम है तो -1/3 प्लस सी यानी -4। इसको सॉल्व करूँ तो 3y, पहले तो एलसीएम लूँगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x -12। सबको एक तरफ ले जाएँ तो x+3y+12=0। जनरल फॉर्म तो देखने से पता चल रहा है ना, ए एक्स वाई और सी, तो ये होता ही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कोई कांस्टेंट सी इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी फॉर्म का इक्वेशन हो लाइन का, वो हमेशा इसी फॉर्म में आएंगे ही।
तो दो क्वेश्चन बनाने के बाद बताया, देखिए यहाँ पर भी इसी फॉर्म का है, यहाँ भी इसी फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कम्प्लीट, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है, चलिए दो ही बताया ना, सेकेंड का थर्ड भी देख लेते हैं। सेकेंड में तीन क्वेश्चन था, स्लोप दिया हुआ है, एम दिया हुआ है -2 एंड इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो डी दिया हुआ है -3। तो इसका बताया हूँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, सॉल्व करूँ तो वाई इक्वल टू एम -2 एक्स, डी है -3, तो वाई इक्वल टू -2x+6। इसको एक तरफ ले जाऊँ तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस में प्लस वाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, डी तो दिया हुआ क्या है, एक मिनट, एक्स एज अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट में आ रहा है, ये -3 इधर इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये तो फॉर्मूला में ये है, डी का वैल्यू -3 लिया तो +6, यहाँ से आपको 6 ये इक्वेशन आ रहा है, लेकिन आंसर में दिया हुआ है 2x+y+6=0। तो इसको तो इधर लाऊंगा तो फिर दिक्कत हो गया ना, तो प्लस डी क्यों लिया मैं, हाँ एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। मैं आपको बताया था कि ये निगेटिव इंटरसेप्ट होता है तभी मैं एक्स प्लस डी डिराइव किया था, तो यहाँ तो प्लस ही लेके चलना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे -6 हो जाएंगे, ये -6 हो जाएंगे, उधर लेंगे तो 6 हो जाएगा। बात को समझ में आया ना, यहाँ पे प्लस डिराइव किए थे कब, जब ये एक्स एक्सिस को निगेटिव में इंटरसेप्ट कर रहा था, -d लेके चल रहा था, वहाँ जब डिराइव किया हूँ वहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये एक्स है ये वाई है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा ऐसे, और या तो ऐसे भी बाइसेक्ट करेगा, है ना, इधर से भी तो बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो इधर से अगर बाइसेक्ट किया तो ये एंगल जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, इधर से लूँगा तो ये -45 डिग्री, इसका स्लोप जो होंगे m इक्वल टू tan 45 डिग्री 1, इसका m जो होंगे tan -45, ये हो जाएंगे -1। तो ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन मालूम है ना, y इक्वल टू mx, यहाँ सॉल्व करूँ तो y इक्वल टू m क्या आया 1, तो x आ जाएगा, 1 पुट करूँगा तो 1 × x 1, यहाँ से सॉल्व करूँ तो y इक्वल टू m -1, -1 × x - x, ये दो इक्वेशन आएंगे जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में, कैसे नहीं हुआ, 90 डिग्री होता है ना, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ tan इनवर्स रूट 3, दिया हुआ है आपको थीटा, दिया हुआ है आपको tan इनवर्स 3 विद द एक्स एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट टू द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में तो सी लेते हैं, वाई एक्सिस पे निगेटिव में कट कर रहा है तो सी क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा क्या हो जाएगा, इन्वर्स पर चुके ना, इन्वर्स नहीं, tan को इधर लेके जाते हैं ना, tan इन्वर्स को, तो tan थीटा हो जाएगा, इसी को tan थीटा को तो m मानते हैं, तो m स्लोप दिया हुआ है इंच दिया, तो y इक्वल टू mx+c, m है 3x, c है -4, तो ये आपका इक्वेशन आ गया लाइन का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन डेट हैज़ y इंटरसेप्ट -4, तो y इंटरसेप्ट -4 है तो c कितना हो जाएगा -4, y इंटरसेप्ट के लिए c से डिनोट करते हैं। चलिए फिगर अगर बनाऊं,
तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे माइनस फोर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन डेट हैज़ ए वाई इंटरसेप्ट माइनस फोर, यानी माइनस फोर से ये कट जा रहा है और पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग टू टू और माइनस फाइव। सपोज टू यहाँ है और माइनस फाइव यहाँ है, तो टू माइनस फाइव और एंड वन और टू, वन यहाँ पे है और टू यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट। तो इसके इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसा भी बन रहा देख लें। तो और दोनों क्या है, पैरेलल है, इसके थ्रू जो लाइन पास होंगे और ये दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन हो रहा है, दोनों क्या होने का, पैरेलल होगा। समझ में आ गई ना बात को? क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जो लाइन बना, ये दो पॉइंट दिया हुआ था, इसे मैं ड्रॉ कर दिया एक लाइन। सपोज ये एल ले लिया, इसका इक्वेशन पूछ रहा आपको, और ये लाइन एल माइनस फोर से पास हो रहा और ये पैरेलल है इसका, तो पैरेलल में इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। तो इंटरसेप्ट तो मिल गया ना ऑलरेडी, वाई पे कट कर रहा है ना, तो सी दिया हुआ है माइनस फोर, स्लोप निकालना है, तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो मान लीजिए इसका स्लोप एम वन है, इसका स्लोप एम टू है, तो एम टू अगर निकालूँ तो वाई टू माइनस वाई वन, एम टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ये पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे स्लोप निकलता है। वाई माइनस फाइव मानना, तो माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन, टू माइनस वन वन, तो माइनस सेवन आ गया। तो एम वन का भी क्या हो जाएगा, वही होगा। लिखेंगे कि सिंस बोथ लाइन आर पैरेलल सो देयर स्लोप आर आल्सो इक्वल। तो अब निकल गया मेरा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम कितना निकला हुआ है, वही एम वन मान लिए, तो माइनस सेवन एक्स और सी है माइनस फोर। ये आपका इक्वेशन निकल गया क्वेश्चन नंबर फाइव का। सभी को आंसर में ना एक तरफ लेके आया, तो सेवन एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में लेके आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इतना। चलिए मैं पहले ना वो दो पॉइंट है जो दिया हुआ उसे एक लाइन पास करवाऊंगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ उस लाइन का फोर टू, तो एक्स पे फोर ले लिया, वाई पे टू ले लिया, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकला इस पॉइंट से। फिर है माइनस सॉरी थ्री और फाइव, तो थ्री यहाँ पे होगा और फाइव सपोज मान लीजिए यहाँ पे होगा। तो इस दो पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास होंगे, चलिए मैं ऐसा बना दिया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ऑन वाई एक्सिस थ्री पे कट भी करेंगे। तो सपोज मान लीजिए थ्री है, परपेंडिकुलर होने के लिए ऐसा बनेगा कुछ इस टाइप का। तो ये इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना, सपोज मैं मान लिया ये एल, समझ में आ गया ना फिगर से कॉन्सेप्ट। तो परपेंडिकुलर में सपोज इस लाइन का स्लोप एम वन मान लिया और इसका एम टू मान लिया, तो फोर परपेंडिकुलर कंडीशन कुलरिटी कंडीशन, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एम वन इंटू एम टू का क्या होता है माइनस वन। एम वन तो मैं निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि उसका दो पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है फोर और टू, और यहाँ पे पॉइंट क्या है थ्री और फाइव। तो एम वन का जो आएगा वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू टू माना तो टू माइनस फाइव, एक्स टू फोर, तो फोर माइनस थ्री, ये आ जाएगा माइनस थ्री। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एम वन दिया हुआ है माइनस थ्री, एम टू निकालूंगा इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से एम टू आपका आ जाएगा वन अपॉन थ्री। स्लोप मिल गया इस लाइन का, इंटरसेप्ट मालूम है, इंटरसेप्ट कितने इंटरसेप्ट पे चला था थ्री, तो
ये जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है थ्री, यानी सी दिया हुआ है आपका थ्री, तो इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम है वन अपॉन थ्री एक्स प्लस सी है थ्री। इसको सॉल्व करूं एलसीएम लेके तो थ्री वाई एक्स प्लस नाइन ये आएगा आपका इक्वेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स का। एक तरफ ट्रांसफ़र करूं इसको तो एक्स पहले इधर लाऊंगा तो माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। तो सेवन में है क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन सीमेंट ज्वाइनिंग। फिर से वही है, मैं फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँ और जो दो पॉइंट दिया हुआ है उस दो पॉइंट से पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, फोर और थ्री। सपोज ये फोर है और ये थ्री है, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ये फोर और थ्री हो गया। और माइनस वन और वन, तो एक्स माइनस वन यहाँ पर आएंगे और वन यहाँ पर सपोज मान लिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएंगे। ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक ऐसा लाइन लेना है जो इस लाइन के एल के परपेंडिकुलर हो और वाई एक्स इसको माइनस थ्री पे इंटरसेप्ट कर रहा हो। तो सपोज ये माइनस थ्री ले लिया, इसी के थ्रू जाएगा तो ये इसी टाइप का फिगर बनेंगे, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, लग रहा है ना, इस टाइप का। तो इसका स्लोप मैं निकालूं पहले, स्लोप y2 टू माइनस वन, यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएंगे माइनस वन और वन, y2 टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री वाई टू माना तो थ्री माइनस वन, फोर माइनस माइनस फोर प्लस वन, ये आ जाएंगे टू अपॉन फाइव। तो इसका स्लोप को मैं मान लिया एम वन, इसका स्लोप मान सपोज मान लिया एम टू। फिर से परपेंडिकुलर कंडीशन लगाऊंगा तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, एम वन है टू अपॉन फाइव इक्वल टू एम टू इक्वल टू माइनस वन। तो एम टू अगर यहाँ से सॉल्व करूँ तो माइनस फाइव अपॉन टू स्लोप मिल गया। इंटरसेप्ट मालूम है वाई का, तो ये दिया हुआ सी माइनस थ्री, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम है माइनस फाइव बाई टू एक्स और c है माइनस थ्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो टू वाई इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, आपको एक तरफ लेके जाऊं तो आपको मिल जाएंगे फाइव एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर सेवन्थ कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन एट इतना में बन जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट एबव द ओरिजिन। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएंगे ना, तो सी दिया हुआ है आपको दो। मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ से टैन थीटा निकल के आ जाएंगे इक्वल टू एम मानूंगा, तो इस ये हो जाएगा टैन थर्टी, ये आपका आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। तो इंटरसेप्ट दिया स्लोप दिया तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी किसी में फिगर का जरूरत नहीं पड़ता है, वो देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या है उसका इंटरसेप्ट और क्या है स्लोप और इसका सी, सी है टू। इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर आ जाएगा एलसीएम लेके। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, थैंक यू।